प्रयोजन
क्या फायदा है? ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். இயேசுவை கிரகணம் कर लिया. விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். விசுவாசி के साथ கிரகணம் कर लिया. விசுவாசமாயிருங்கள். விசுவாசி होगे. அப்படிதானே? ऐसे ही है ना? எவ்வளவு நாளைக்கு அப்படி வாழ முடியும்? लेकिन ऐसे आप कितने दिन तक जीलोगे? என்ன நீங்க சீஷனால மாற போறீங்க? कब आप चेले के रूप में बदलोगे? ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? क्या कहा இயேசு ने? நீங்க புறப்பட்டு போங்க. आप जाओ. சகல ஜனங்களுக்கு சீஷராகுங்க. अनेक जातियों को मेरे चेले बनाओ. हालेलुया. हालेलुया. சீஷனால மாற்றப்பட வேண்டும். आपको चेला बनना है. விசுவாசியால வாழ்ந்து போங்க.
उन्होंने कहा कि ये इस सेवकाई के बहुत अहम हिस्सा है और सोल का मैंने ग्राम को लेला के क्या पांगे वो जो कहते हैं वो गांव के सब लोग मानते हैं आई हैं ना नर्दिश पांगे क्या हुआ बात है और एक मगन लेंदा वो एक बेटी थी और मगन विश्वास ना बाद के पटे लेंदा वो क्या है वो दुष्टात्मा से पीड़ित थी और बात ये वहां से तो पाता है उन्होंने कई प्रकार के तंत्र मंत्र किए अल्लाह का नहीं है याद दीजिए उम्मीद कदे ये सुन रही है देखिए सच्ची घटना है ये हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में हुई घटना है एक व्यक्ति के द्वारा 45 पूरे परिवार उधार पाए कैसे हुआ वो एक व्यक्ति यीशु को जो नहीं माना यीशु यार जब यीशु को नहीं जाना ग्राम के वो गांव का मुखिया था वो क्या वो जो बोलते थे पूरे गांव लोग को मानना पड़ता है वो कितना ही कुछ तंत्र मंत्र किया क्या हुआ उनके एक ही बेटी अब उसको दुष्टात्मा ने पकड़ दिया अब सारे तंत्र मंत्र कर लिया कहाँ लेके गया सब कुछ कर लिया उस दिन उसके एक दोस्त ने उसे देख कर कहा जो तंत्र मंत्र कर रहा है ना ये फायदा नहीं है என்ன செய்றாலும் ஒண்ணு நடக்க போறது இல்ல चाहे कुछ भी कर ले इसका फायदा नहीं है ஒண்ணு பண்ணு कुछ एक कर यार ही पाकर तो किसी को मत दे और तो ग्राम मुख्यमा तो मारो मुख्यमा तुझे गांव ज्यादा जरूरी है या अपनी बेटी ज्यादा जरूरी है ये सुन ना जरा मेरा मगन तो मुखिया उन्होंने कहा मेरी बेटी ही ज्यादा जरूरी है ஒண்ணு सही तो तू एक कर यार कि तेरी जो चर्च है उस व्यक्ति ने कहा मैं चर्च को जाकर सुन ना उस व्यक्ति ने कहा ग्राम तो अरे इस गांव का सरपंच हूँ मैं चर्च में ना पहुंच मटे मैं चर्च में नहीं जाऊंगा मैं चर्च में बोला ये भी ना थले बना के काम कर देते रहे अगर मैं चर्च जाऊंगा तो मैं मुखिया के रूप में कैसे खड़ा होऊंगा मंत्री कितना नंबर आवे अरे मैं जादू टोना करने वाला हूँ ना अगर चर्च में ना पहुंच मटे मैं वहां नहीं जाऊंगा नंबर सोना रे तो उसके दोस्त ने कहा अगर तेरी बेटी को छुटकारा चाहिए क्या चर्च में जाएगा कोई चर्च बोलना ये ना आपको भी नहीं पाता मुड़िया दे अगर चर्च में नहीं जाएगा कोई छुटकारा नहीं मिलेगा इतना मुड़े हैं मरपुर तक ना लाए ना मारे ना चर्च को बोला दे उसके दोस्त ने जिद किया तो वो चलेंगे इधर चर्च को बोगा बोगा और मारे तो बिठते हैं वाला आरोपी के लिए चर्च में जाते जाते उसकी बेटी को छुटकारा आने लगा हालेलुया हालेलुया चर्च तेरे बारे में बोला आपको लाए रखे लेकिन चर्च को ढूंढ के गया इसलिए उसके जीवन में काम हुआ अगर आप यीशु परमेश्वर को भूल जाओगे तो वो आपको भूल जाएगा जब तो मरना अंदर उन्होंने मरने दरवारे आप प्रार्थना को भूल जाएगा आपको भूल जाएंगे बाइबल का मरना अंदर उन्होंने मरने दरवारे आप वचन को भूल जाओगे तो वो आपको भूल जाएगा जितना आप भवन में आओगे उतना अपने जीवन बदलाव को देख सकते हैं चर्च में एक बजे तक प्रार्थना करते हैं कुछ लोग आते कुछ लोग नहीं आते ऐसे नहीं होना चाहिए महीने तक लगातार चर्च में आने देखिए देखिए आपके जीवन में बदलाव आते हैं प्रिय प्रभु के लोगों जाते जाते इसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया वो बेटी छुटकारा पा गई छुटकारा पा गई ब्रदर योजता रे वो जो भैया थे उन्होंने सोचा यीशु ने ये मगन बिड़ तले कोड़ता रे यीशु ने इतना छुड़ाया है ये ग्राम के तले बना रहते हैं इतने दिन में सरपंच था ये बड़ा मादरिया ना सेंच पाते हैं इतने जादू उन्होंने कर लिया आपको तो मर लिए लेकिन चमत्कार नहीं आया यीशु ने आपको तो मर लिए मार के मगले मार के मार चुका था लवा लेकिन यीशु के सिर्फ एक बार से ही मेरे बेटे के जीवन में बदलाव आ गया सबको बुलाया उन्होंने कहा ग्राम के तले बना रहे हैं ये टमाटर इस गांव का सरपंच अब मैं नहीं हूँ इतना मांत्रिक नांद्रिक वाला सही बात है मैं कोई जादू टोना नहीं करूंगा नहीं तेरी माँ पता क्यों यीशु ये ने मांगे रे बात के बिड़े तेरी सही था यीशु ने उसके बेटी के जीवन में काम किया हालेलुया आज उस व्यक्ति आज उस
नाम में खड़ा हुआ चला। हालेलुया।